अनियार का फाउंडेशन ने आज जो है हाथों में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इससे क्या क्या फाउंडेशन है, क्या कुछ जी? निहारिका फाउंडेशन बेसिकली जेन्युइनली जो ज़रूरतमंद लोग हैं, डेस्टिट्यूट हैं, जो जिनको वाकई में बहुत बहुत नीड है, उनके लिए काम करती है। हर तरीके की हेल्प हम सोचते हैं उन तक पहुंचा सकें। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम तो बस जरिया मात्र हैं, करने वाला तो वही है। हमें अगर जरिया बनाया है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उस जरिए पे सफल रहें, उसको वो काम पूरा करें। जो लोग हमारी ज़रूरत मतलब उनको है तो उनकी मदद करें। और ये हॉस्पिटल सबसे बड़ी सबसे अच्छी जगह इसलिए हमको लगी कि यहाँ पर कम से कम पहुँच के हर आदमी वही आता है जिसको बहुत ज़रूरत होती है, वही हॉस्पिटल आता है। एक आदमी अगर बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार जो है उससे तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें लगा कि हॉस्पिटल आके मदद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो सरकार की देखरेख में चीज़ रहती है, सरकार तो कर ही रही है, हमें लगा कि सरकार की मदद हम सहयोग कर सकते हैं बस। तो ये परंपरा चली आ रही है, सनातन सभ्यता ही रही है कि हम मदद करें दूसरों की, वही हम कर रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस तरीके के और जो है इवेंट करती है आपके हम अनाथ आश्रम भी जाते हैं, वृद्धा आश्रम भी जाते हैं, स्कूलों में भी गए हैं। और अब थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके था है कि भाई लोगों को अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, तो इसलिए हॉस्पिटल्स को सही शुरुआत करी है। तो निहारिका फाउंडेशन ने आज हमारे अस्पताल में कंबल एवं गर्म कपड़े गरीब मरीजों के लिए डोनेट किए हैं और साथ में जाके मरीजों को दिए हैं, और काफ़ी सारे हमारी मैट्रन के पास रखवा भी दिए गए हैं जिससे जब ज़रूरत पड़े उनको दिया जा सके गरीबों को। और इससे पहले भी वो फल वितरण इत्यादि का कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी करते रहने के लिए अपनी इच्छा जताते रहे हैं। तो इससे मरीजों को काफ़ी लाभ हो रहा है और हम चाहते हैं और भी जो संस्थाएं हों अगर चाहें तो गरीब मरीजों को दान इत्यादि कर सकती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारे पास सरकारी कंबल भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग आते हैं तो उसमें अच्छा ही है गरीब लोगों के लिए।